ऐसी फिल्म है और हमारी डेमोक्रेसी के कटाक्ष है, इट्स ए पॉलिटिकल सटायर, और उसके साथ साथ ये एक ह्यूमन मैसेज भी है। फिल्म के आखिर में पहुँचते पहुँचते फिल्म बहुत सीरियस हो जाती है, शुरू में लाफ्टर है, और हमारी पार्लियामेंट में आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार इस तरह की आर्गुमेंट होती है जो बहुत इलॉजिकल है, जैसे कि एक दूसरे को सुना नहीं जाता, स्पीकर चिल्लाता रहता है कि स्पीक वन बाय वन, साइमल्टेनियसली 50 लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। बहुत बार ऐसे हंगामे भी हुए हैं कि एक दूसरे पर कुर्सियाँ फेंकी हैं, माइक खींच के तोड़ के माइक फेंके हैं, आंखों में मिर्ची डाली है। बेंगलोर असेंबली में तो पुलिस बुलानी पड़ी थी। तो इस तरह की हरकतें भी हमारे होती हैं जो कि एक सिविलाइज लोगों के लिए शर्म की बात है। तो उस पे कटाक्ष है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बैकग्राउंड लेकर उसको एक बहुत ही संजीदा रंग दिया गया है, और ये दिखाया गया है कि बड़ी से बड़ी जो समस्या है वो प्यार से और बड़े सिविलाइज ढंग से, बड़े ह्यूमन तरीके से सॉल्व की जा सकती है। आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा किरदार एक पॉलिटिशियन का है, पॉलिटिशियन जो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, और वो भी इस तरह की इलॉजिकल आर्गुमेंट्स का हिस्सा है। अंदर हमने पोस्टर देखा कि मतलब दो पोस्टर थे एक ही पोस्टर में, ऊपर जो है आपका एक अलग चेहरा था, नीचे एक अलग चेहरा था, तो इसी तरह का कुछ चेहरा फिल्म में भी आपका दिखाई देगा कि आप क्या मानते हैं कि पॉलिटिकल जो है सामने अलग होते हैं और पीछे अलग होते हैं? नहीं, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी हैं फिल्म में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ, चाहे सतीश कौशिक हों या अनु कपूर हों या सीमा विश्वास हों, इन सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। अगर मौका मिला तो किसी एक अगर पॉलिटिकल पार्टी को किसी को दिखाने का मौका मिले अगर फिल्म को, तो वो कौन होगा और क्यों? तो मुझे तो लगता है कि हर पॉलिटिशियन को ये फिल्म देखनी चाहिए, ये मेन स्ट्रीम फिल्म है, ये कोई आर्ट फिल्म नहीं है, ये दिस इज अ मेन स्ट्रीम फिल्म। इसमें उस ठीक है बड़े बड़े स्टार्स नहीं हैं, इसमें अक्षय कुमार नहीं है, सलमान खान नहीं है, आमिर खान नहीं है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम फिल्म है। सलमान खान की एक फिल्म आई थी जय हो, तो उससे ये किस तरह से? नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं ऑडियंस से यही गुजारिश करूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म है, आपको मज़ा आएगा, आपको हंसाएंगे भी, और फिल्म के अंत में आपको सोचने पर भी मजबूर करेंगे और आपकी आंखों में आंसू भी लाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। क्या पॉलिटिकल सटायर फिल्म है, साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देती है जो इंसानियत को लेके। अच्छा, यहाँ पर पोस्टर में हम देख रहे हैं कि आपका काफ़ी सीरियस लुक दिखाई दे रहा है, तो किस तरह का कैरेक्टर निभा रहे हैं? एक एक कैरेक्टर है, एक एक आपका ये मतलब देखने में सीरियस लगता है, लोग शायद हंसेंगे उस सीरियसनेस को लेके। बाकी ये फिल्म सीरियस टॉपिक है, सीरियस थॉट है, बट एग्जीबिशन में उसको फनी तरीके से दर्शाया गया। अच्छा, पॉलिटिकल सटायर है, तो सलमान खान की एक फिल्म आई थी जय हो, तो उसमें भी इसी तरह के कुछ मुद्दों पर बात की गई थी, तो कुछ उसी तरह की फिल्म होगी, कुछ इंस्पिरेशन है फिल्म में ऐसा कुछ? उसी तरह की तो मैं पता नहीं, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट फिल्म है, और ये रंजीत कपूर सर वो मेरे टीचर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो वो इस तरह के थॉट के हम शुरू से जब हम स्टूडेंट थे तब से देखते हैं कि काफ़ी थॉटफुल वो, साथ साथ फनी तरीके से भारी भरकम मैसेज भी बड़े प्यार से देते हैं, तो वो एक अंदाज़ है अपना, एक खुद का ही एक इंडिपेंडेंट अंदाज़ है, तो उसी तरीके से मैं ये तो नहीं कहूँगी ये हटके हैं,
ये बहुत डे टू डे लाइफ में सब लोग जो हम हिंदुस्तान के जनता देख रहे हैं, झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, वो सारा कुछ स्थिति वहाँ यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, किरदार के लिए किस तरह से रिसर्च किया आपने, क्योंकि फिल्म में जो है कॉमेडी भी है और लास्ट में जाके इमोशंस भी काफ़ी है, तो उसके लिए किस तरह की मेहनत की गई है, रिसर्च किया गया है? स्क्रिप्ट इटसेल्फ इतना मतलब रेडी टू परफॉर्म टाइप के हैं कि उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च, काफ़ी डिटेलिंग में स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी तैयारी से थे। बाकी ये है कि सारे मुझे छोड़ के सारे वेटरन एक्टर्स थे, तो एक बहुत ही मेरे लिए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा कि उनके साथ साथ परफॉर्म कर रही हूँ, उनके साथ साथ सीख रही हूँ, देख रही हूँ और इन्जॉय भी कर रही हूँ परफॉर्म करते हुए। तो एज फार एज रिसर्च इज़ कंसर्न, ऐसा है कि सिचुएशन अब इट्सेल्फ इज सो फनी कि आप कैरिड अवे चलते चलो। मतलब पॉलिटिशियन का जो सच है वो इस फिल्म के साथ सामने आएगा ऐसा लगता है आप? नो कमेंट। अच्छा, अगर भविष्य में मौका मिला अगर किसी पॉलिटिशियन को ये फिल्म दिखाने का, तो वो पॉलिटिशियन कौन होगा? नहीं, कुछ कमेंट नहीं करना है, पॉलिटिशियन मोस्टली सेम से होते हैं हमको जो एज अ लेमैन हम महसूस करते हैं। तो आप लोग भी देखो और विचार करो सब कुछ। अगर मैं ही बोल दूँ तो मैं चाहती हूँ सिर्फ ये है कि काफ़ी थॉटफुल, काफ़ी फनी तरीके से, काफ़ी मजाक उड़ा के हालात को रियलिस्टिक ढंग से पोर्ट्रे किया गया, उसको महसूस करो, साथ साथ हंसो भी, साथ साथ सोचो भी। तो मैं तो चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान के सारे जनता को देखना चाहिए, सबको इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस को भी देखना चाहिए। इस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो है, मिरर है कहीं, हम अगर मिरर पे नहीं देखें तो एहसास नहीं होता कि अरे शक्ल कैसे बदल गया, तो वो देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए सबको देखना चाहिए ये फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके फिल्म के लिए। किस तरह की फिल्म होगी जय हो डेमोक्रेसी? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूँ आपने मुझे बधाई दी। ये फिल्म जो है बहुत ही एक तरह की ब्लैक कॉमेडी है, चटाने की कॉमेडी है, और अगर आप कहानी जानना चाहते हैं तो वैसे बहुत ही सिंपल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर एक कोई मसला होता है, एक कोई समस्या आती है जो कि है बहुत ही मामूली से विषय पर, उसका जो मुद्दा है बहुत ही साधारण सा, लेकिन वो धीरे धीरे आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, जिसमें एक प्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की बात आ जाती है। तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाती है और उसमें ये तय होता है कि वो लोग तय करें कि आगे क्या करना है। ये जो टॉपिक है काफ़ी जाना पहचाना है, सबके जहन में है, तो आपके जहन में ये कैसे आया कि इस टॉपिक पर फिल्म बनानी चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आज से नहीं है, मेरे दिमाग को 20-25 साल से बेसिक आइडिया कि एक एंटी वॉर फिल्म होती है। जो पार्लियामेंट कमेटी का जो है वो भी मैंने 86 में प्ले किया, इन दोनों को यहाँ मैंने मिक्स कर दिया कि एक सीमा पे, सरहद के ऊपर LOC पे एक क्राइसिस होता है, इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा दी जाती है। तो जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी जितनी होती है आमतौर पर उनका कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो बल्कि मैं कल से कोशिश कर रहा था ये आंकड़े जुटाने की कि आज़ादी के बाद से अब तक कुल कितनी कमेटियाँ बैठ चुकी हैं ऐसी संसदीय कमेटी और उनके क्या परिणाम निकले, क्योंकि वो मुझे बहुत लेट दिमाग में आया, जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाया दोबारा। तो इसमें यही व्यंग है कि एक तरह तरह क्राइसिस है और युद्ध होने वाला है, और उसकी जो गंभीरता है, उसकी जो ग्रेविटी है, उसको ये लोग नहीं समझ रहे हैं और आपसी झगड़ों में प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं और किसी निर्णय पर नहीं पहुँचते, बल्कि वहाँ लड़ाई उठ जाती है LOC पे, यहाँ लड़ाई हो जाती है कमेटी को।
सलमान खान की एक फिल्म आई थी जय हो, उसमें भी कुछ इसी तरह के मुद्दे और सवाल उठाए गए थे, तो उससे कुछ इंस्पिरेशन लिया गया है इसमें? नहीं, मैं पहले बताता हूँ आपको, मैं हिंदी फिल्में नहीं देखता हूँ, अपनी लिखी हुई भी नहीं देखता, ऐसा किसी नहीं, बिल्कुल आप जब देखेंगे आपको लगेगा ये बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है, बिल्कुल ओरिजिन सब्जेक्ट है, आज तक किसी ने इसको टच नहीं किया। जो एक्टर्स हैं काफ़ी मंझे हुए कलाकार हैं, तो स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज किया आपने फिल्म के लिए? स्टार कास्ट वो सब एक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ ओमपुरी जो है वो एमएसडी में उससे सीनियर थे, बाकी सब उससे जूनियर हैं और सब मेरे साथ काम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग ओमपुरी। जब 81 में मैंने प्ले किया था उसमें उन्होंने रोल किया था, उसके बाद मैंने 85 में प्ले किया उसमें उन्होंने रोल किया था, तो हमारी जो जो काम करने की जो साथ साथ जो एक वो है वो काफ़ी पुरानी है। आपकी जो फिल्में हैं जैसे कि जाने भी दो यारो, चिंटू जी अभी आई थी, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया फिल्म को, तो इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है चिंटू जी तब भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की कहानी थी, वैसे तो टाउन की कहानी थी, लेकिन चूँकि उसमें भी कोई करंट हीरो नहीं था, इसलिए लोगों ने जो हमारे जो वो थे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, उन्होंने उसको 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 महत्व नहीं दिया, इसके से अपना सौतेले व्यवहार किया, तो उसको प्रमोट ही नहीं किया, तो प्रमोट नहीं किया उसकी वजह से लोगों की पता ही नहीं लगा कि चिंटू जी कोई फिल्म आई। और जब हैरत मुझे हुई कि जब मुझे स्टारडस्ट वालों ने मुझे कहा कि आपकी फिल्म को हमने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट जूरी अवार्ड फॉर ऋषि कपूर दिया है, आई कुड बिलीव इट। और इनफैक्ट जब मुझे अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया, मैं गया नहीं, मेरे बेटे ने जाके अवार्ड लिया, तो इस पर ये साबित होता है उससे कि एक तो इंडस्ट्री में कुछ समझदार लोग भी हैं जो एक फिल्म की श्रेष्ठता को बहुत अच्छी तरह से उसका मूल्यांकन करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर इस फिल्म को सही ढंग से प्रमोशन किया जाता तो चलती, ये नहीं कह रहा उसे पैर होती, लेकिन ये था कि हाँ एक सम्मान नहीं है, सम्मानजनक जो है वो पैसा ले आती है, पैसा प्रोड्यूसर को खैर कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनका फ़ायदा ही हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उनको फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि उसमें बहुत बाद में उनके चैनल्स को इसको दूरदर्शन को बेच दिया, सोने को बेचा, उन्होंने सब तरह से उन्होंने कमाया। इस फिल्म में जो है दूसरी किस्म की प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है हीरो कौन है, हीरो कोई नहीं, और हीरोइन कौन है, नहीं है कोई, गाने कितने हैं, नहीं है, तो ये बहुत ही ऑफ बीट फिल्म है, और इस तरह की कोई उसका कहना क्या होता है, हर फिल्म को वर्गीकरण करते हैं इसका किस जॉनर में डाल देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आया कि इसको किस फिल्म में किस जॉनर में डाला जाए, ये इसकी दिक्कत है। लेकिन मुझे मालूम है कि एक बार अगर ये फिल्म ऑडियंस को देखे तब ये फिल्म हिट भी हो सकती है, ये बात मैं चिंटू जी के लिए नहीं कह सकता था, इसके लिए कह सकता क्योंकि इसका जो विषय, इसके जो विषय वस्तु है और जो आम आदमी है उससे पूरी तरह से आइडेंटिफाई करता है, जो अखबार पढ़ता है, जो टीवी देखता है, वो उनको सब जो है इस बातें समझ में आएंगी और उसको वो अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर फिल्म अगर पॉलिटिशियन को दिखानी हो तो आप किस किन पॉलिटिशियन को दिखाना चाहेंगे, किसी को दिखाना चाहेंगे आप ये फिल्म? सबको चाहूँ, सब देखें, सबके लिए ये आई ओपनर होगा, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति या विशेष पार्टी के लिए या किसी विशेष दल के लिए ये इसमें कुछ नहीं है, ये इसमें बल्कि सब मिले जुले, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो हर पार्टी का कोई ना कोई है इसमें। अब ये कहने लिखा कि इसमें कौन सी पार्टी का कौन सा व्यक्ति है, लोग ऐसी सब फिक्टिशियस है, लेकिन जो पूरा जो वैल्यू है वो बहुत ही ऑडियंस के लिए, जो भी अखबार पढ़ता है, जो भी टीवी देखता है, उसके लिए बहुत ही परिचित है और उसको अप्रिशिएट करेगा। और चूंकि इसमें कोई किसी के प्रति व्यक्तिगत मैलिस नहीं है, कोई वो नहीं है, किसी को बुरा भी नहीं माने। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अनुजी, सबसे पहले तो फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और किस तरह की फिल्म रिलीज हो जाए, हिट हो जाए, उसके बाद हम सबको आप बधाई दें तो ज़्यादा उचित होगा। अच्छा, किस तरह की फिल्म होगी ये जय हो डेमोक्रेसी, किस तरह की फिल्म? नाम ही अपने आप में एक व्यंग्यात्मक नाम है, सटायर है, और हमारा जो प्रजातांत्रिक ढांचा है
उस ढांचे के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग है। फिल्म जब आपको ऑफर हुई तभी आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि पॉलिटिकल सटायर भी है और कॉमेडी भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? इट्स नॉट अ कॉमेडी, इट्स मोर लाइक अ सटायर। कॉमेडी तो वो दूसरे, कॉमेडी और सटायर में फ़र्क इतना है कि जब आप एक कॉमेडी को प्रस्तुत करते हैं तो उसके अंडर करंट में कोई व्यापक रूप से समाज के लिए कोई संदेश नहीं होता है। वो चुटकियां मियां बीवी की बात के, बीवी बदल दूं कि टीवी बदल दूं, इस तरह की चीज़ों को लेकर कॉमेडी अमूमन रची जाती है। लेकिन व्यंग के अंदर भी हास्य होता है, परंतु वो हास्य पैदा किया जाता है किसी बड़ी बात के ऊपर चोट करके और व्यंग करके। समाज की जो दशा है, प्रजातंत्र की हमारी जो स्थिति है, और जो स्थिति अभी नहीं पिछले 67 साल से भारतवर्ष प्रजातंत्र के नाम पर जो हो रहा है उसके ऊपर कमेंट है और व्यंग है। तो व्यंग करते वक्त जो बनाने वाले हैं उन्होंने ख्याल रखा है, व्यंग जब करोगे तो हल्का हास्य और विनोद का रस आ ही जाता है उसके ऊपर। आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में? इस फिल्म में जो कमेटी बनी है उसमें 3 अपोजिशन के लोग हैं और 3 रूलिंग पार्टी के लोग हैं और एक चेयरमैन है, तो वो चेयरमैन मैं बनाऊँ। फिल्म में जो है काफ़ी मंझे हुए कलाकार भी हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? अरे बहुत, ओम पुरी जी है, सीमा जी है, हमारे जितने भी कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, वो ओम पुरी साहब हों, सीमा विश्वास जी हों, श्री सतीश कौशिक हों, आमिर बशीर हों, और चंडीगढ़ की जो रजनी जी जिन्होंने रोल किया वो हों, या आदिल हुसैन हों, ये जितने लोगों की फ़ोटो आप पीछे देख रहे हैं जी, ये सब अपने अपने फील्ड के महारथी हैं और न सिर्फ बहुत अच्छे कलाकार हैं बल्कि सब्जेक्ट को समझते हुए पूरी तरह समर्पण के साथ, पूरी तरह डूब के, ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। कलाकार तो वही है, तो बहुत सब बहुत अच्छे कलाकार हैं। अच्छा, फिल्म के अगर मुद्दे की बात करें तो फिल्म में एक जय हो करके फिल्म आई थी जिसके अंदर इसी तरह के कुछ मुद्दों पर बात की गई थी और मैसेज भी दिया गया था, तो उससे कितनी मिलती जुलती है? मुझे मालूम नहीं जय हो में क्या था, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा कि जय हो क्या फिल्म थी, मैंने देखी नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं। अच्छा, अगर बात करें फिल्म की तो फिल्म ना सिर्फ सबको हंसाएगी लेकिन इमोशनली भी सबको काफ़ी कनेक्ट करेगी, ऐसा बोल सकते हैं हम? देखिए, भारत वर्ष में धीरे धीरे जनता पॉलिटिकली अवेयर हो रही है। पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप सिर्फ चुनाव के दौरान ही जागृत हो जाएं और धर्म जाति और संप्रदाय की भावनाओं से ग्रसित होकर उन आप हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी चैनल है, कौन सा चैनल है? तो धर्म फैक्टर काम करता है, रिलीजियस फैक्टर होता है, उसके बाद अंचलवाद, रीजनल फैक्टर हो जाता है, लिंग्विस्टिक फैक्टर हो जाता है भाषा के आधार पर। तो अभी भी भारत का प्रजातंत्र अपने शैशव काल में है, इन्फेंसी में है, अभी भी वो अपनी जवानी को प्राप्त नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम लगेगा। दुनिया की जो दूसरे डेमोक्रेसीज हैं वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन हम अभी भी धर्म जाति संप्रदाय के समीकरणों में फंस के ही अपना वोट देते हैं। तो ये फिल्म का पर्पज़ ये भी है कि, या इस तरह की जो फिल्में बनती हैं उनका उद्देश्य ये है कि जनता के बीच जागरण आए, और वो जागरण सिर्फ वोट देने के टाइम पर नहीं आए। ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल से हमारी कंट्री गुजर रही है ना, वो पार्टी कोई भी आ जाए, लेकिन एक किसी ने शेर कहा है कि अपनों ने प्यार जताकर, गैरों ने मक्कारी से, हमको तो मिलजुल कर लूटा सबने बारी बारी से। ये आवाज़ असल में आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है, धीरे धीरे समझ में आया है कि आपको उस व्यक्ति को चुनना है जो एक वृहत रूप से समस्त भारतीय समाज की सेवा कर सके, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़कर, आप समझे ना। सो इस तरह के मुद्दे जब जब किसी आर्ट फॉर्म में उठेंगे तब तक वो अपना रिजल्ट लेके आएंगे, और अगर उनको अच्छा कह दिया जाए तो जनता समझेगी, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिशियन के लिए कोई स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी इसकी?
वो तो आप प्रोड्यूसर से और जो हमारे एग्जिबिटर्स हैं उनसे पूछिएगा। आई एम जस्ट एन एक्टर इसमें जिसने काम किया है। पॉलिटिशियंस के लिए अगर वो चाहें तो वो तो 50 स्क्रीनिंग रखवा सकते हैं जी। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? इस देश में जब जब बात अपने अधिकारों की होती है कि हमारे ये अधिकार हैं, हमारे वो अधिकार हैं, हमारे कितने अधिकार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तीव्र वेग के साथ, जितने तेज़ी के साथ हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, उतनी ही तीव्रता के साथ अगर हम अपने कर्तव्यों की बात करें तो मामला बैलेंस होगा और हम सब के हृदयों में अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति बोध आए, इसी मंगल कामना के साथ ही ये देश प्रगति की राह पे बढ़ेगा। और नारे बहुत उठते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनको जब हम उनको जब इम्प्लीमेंट करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। फिल्म में कितने मुद्दों पर बात की जाएगी? जो है काफ़ी मुद्दे हैं हमारे देश पर, जैसे कि सफाई नहीं हो रही है, गर्ल सेफ नहीं है, तो कितने मुद्दों पर बात की नहीं जाएगी? इस फिल्म के अंदर एक डिफेंस के मुद्दे को लेकर ही एक पूरी फिल्म बनाई गई है। सफाई नहीं हो रही है और हमारे देश में स्त्री सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमको अपना मनस बदलना पड़ेगा इस सिलसिले में। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। Your own turn, take you down.